नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 13 जून, दिन गुरुवार। आगे राजनीति जुड़ी दिनभर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सुशील मोदी ने जदयू पार्टी की कर दी भविष्यवाणी। बीजेपी के विधानसभा मार्च में पुलिस ने की लाठीचार्ज। मांझी की पार्टी से 13 नेताओं ने इस्तीफा देकर गठित की नई पार्टी। बिहार में विपक्ष में मौजूद बीजेपी को जदयू ने बताया दुर्भाग्य। प्रशांत किशोर ने समस्तीपुर की स्थिति को देख इन मंत्रियों पर उठाए सवाल। अब चले बढ़ते हैं देश और प्रदेश के राजनीतिक खबरों की ओर विस्तार से। भाजपा ने बिहार में शिक्षक भर्ती, 10 लाख नौकरी के वादे। भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विधान मार्च निकाला। इस मार्च में सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा समेत भाजपा के कई नेता शामिल हुए। बता दें कि डाक बंगला पर इस मार्च को रोकने के लिए पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जहां नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा समेत कई नेताओं के घायल होने की खबर सामने आई है। मार्च से भीड़ को हटाने के लिए वाटर कैनन की भी इस्तेमाल की गई। सुशील मोदी ने जदयू पार्टी की कर दी भविष्यवाणी। अभी हाल में ही महाराष्ट्र में मौजूद एनसीपी में टूट देखने को मिली थी। अब महाराष्ट्र में राजनीतिक टूट वाले इसी सियासी हलचल से बीजेपी नेता सुशील मोदी ने बिहार के राजनीति की भी तुलना की है। उन्होंने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी टूट होगी। बता दें कि झाझा पहुंचे सुशील कुमार मोदी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि महागठबंधन के बाद जदयू ने अंदर टूट ना हो, इसलिए सीएम नीतीश कुमार डरे हुए हैं। सीएम ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को उत्तराधिकारी मान लिया है, जिससे जदयू के विधायक नाराज है। पार्टी में लोग रहकर घुटन महसूस कर रहे हैं और लोगों को अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा। पार्टी के लोगों को यह लग रहा है कि आगे चलकर क्या होगा। जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी को लेकर किया यह दावा। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा का बीजेपी को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा विकास के बदले जाति और धर्म के एजेंडे पर काम कर रही है। वहीं आगे उन्होंने दावा करते हुए बताया कि बीजेपी ने गुप्त सर्वे कराया है। इस सर्वे में उसे पता चल गया है कि सत्ता हाथ से निकल चुकी है। जनता महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर आक्रोशित है। इस आक्रोश से बचने के लिए बीजेपी आने वाले दिनों में धार्मिक उन्माद फैलाने की साजिश की कोशिश करेगी। इस साजिश को नाकाम करने के लिए जदयू के सैनिक तैयार रहें। जदयू कार्यकर्ता धार्मिक उन्माद फैलाने वालों की मंशा को कभी सफल नहीं होने देंगे। सम्राट चौधरी को लेकर यूपी के उप मुख्यमंत्री ने कही ये बात। बिहार में विपक्षी पार्टियां लगातार महागठबंधन में टूट पर भविष्यवाणी कर रही। पक्ष विपक्ष दोनों ही इस मुद्दे पर बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। अब एक तरफ जहां विपक्ष का मानना है कि बहुत ही जल्द महागठबंधन में टूट की स्थिति बन सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार की सत्ता में मौजूद महागठबंधन का कहना है कि पार्टी में सब कुछ ठीक है। अब इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व में पार्टी बिहार सरकार की विफलताओं के विरुद्ध जनहित की लड़ाई से राजद और जदयू सरकार का सिंहासन हिल रहा है। मांझी की पार्टी से 13 नेताओं ने इस्तीफा देकर गठित की नई पार्टी। महागठबंधन का साथ छोड़ एनडीए से हाथ मिलाने वाले हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी को अब बड़ा झटका लगा है। दरअसल खबर सामने आई है कि बीते ही दिनों पार्टी के 13 नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के तुरंत बाद सभी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी नई पार्टी के गठन का ऐलान कर दिया है। साथ ही पार्टी का नाम भारतीय आवाम मोर्चा रखने की बात कही है। मिली जानकारी के अनुसार पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक रामेश्वर प्रसाद यादव रहेंगे। वहीं पार्टी के अन्य पदाधिकारियों की घोषणा अभी नहीं की गई है। चुनाव आयोग के अनुमति का इंतजार है। जब अनुमति मिल जाएगी तो इसकी घोषणा कर दी जाएगी। वहीं पार्टी के बनाए गए राष्ट्रीय संरक्षक रामेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा कहा गया कि साल 1965 के बाद उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांतों एवं आदर्शों को अपनाते हुए राजनीति की है। वहीं चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में सब पार्टी सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन की नीतियों पर उठाए सवाल। सीएम नीतीश कुमार को लेकर राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों लगातार हमलावर होते नजर आ रहे हैं। अब एक बार फिर से उन्होंने नीतीश कुमार के शासन व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए बताया है कि बिहार सरकार शिक्षक नियुक्ति नियमावली में बार बार संशोधन कर अभ्यर्थियों को परेशान कर रही है। इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। महागठबंधन के पास न कोई नीति है, न ही सर्वमान्य नेता। बिहार सरकार प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने में सक्षम नहीं है। देश भर में सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री ने शिक्षक नियोजन में डोमिसाइल नीति लागू की है, लेकिन अब उनका बिहार में चलने वाला नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि जनता उन्हें अच्छी तरह समझती है। महागठबंधन का कोई भविष्य नहीं है। एक साथ बैठक कर फोटो खिंचाने वाला यह गठबंधन है। बीजेपी द्वारा बिहार विधानमंडल में किए जा रहे हंगामे पर भड़के तेज प्रताप। लोकसभा चुनाव को लेकर लालू यादव के बड़े बेटे और पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी महागठबंधन की हो जाएगी, यानी बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में करारी हार मिलेगी। वहीं मॉनसून सत्र के दौरान बीजेपी नेता जिस तरह से बिहार विधानमंडल में तोड़फोड़ और हंगामा कर रहे, इसे लेकर उन्होंने कहा कि जिस तरह का काम बीजेपी नेता ने किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और हम इसकी मांग करते हैं। उनके इस हरकत को पूरे देश ने देखा है, खासकर बिहार की जनता ने देखा है और बीजेपी ने अपना असली रूप दिखाया है। विपक्ष के बात रखने का एक तरीका होता है, लेकिन बीजेपी का असल रूप देश ने देख लिया है और 2024 में भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है।
बीजेपी पर राजद का पोस्टर वॉर। एक बार फिर से बिहार की राजनीति में पोस्टर वॉर सिलसिला शुरू हो चुका है। बिहार में राजनीति का यह तरीका सियासी गलियारों में बिना कुछ कहे ही मात्र एक पोस्टर के जरिए बहुत कुछ कह जाता है। खैर, इस बार यह पोस्टर की राजनीति बीजेपी द्वारा विधानसभा मार्च किए जाने को लेकर हो रही। यह मार्च बिहार में महागठबंधन की सरकार के विरोध में किया जा रहा, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में मौजूद राजद पार्टी बीजेपी के विरोध में पोस्टर की राजनीति कर रही। दरअसल पटना की सड़कों पर ऐसे पोस्टर लगे दिखे जिसमें नरेंद्र मोदी की तस्वीर थी और उनके इर्द गिर्द मोदी के विरोध में भी चीजें लिखी गई थी, जिसमें अच्छे दिन, बढ़ते पेट्रोल के दाम, बेरोजगारी व देश की घटती अर्थव्यवस्था का जिक्र किया गया था। वहीं इस पोस्टर को लेकर बीजेपी द्वारा कहा गया कि महागठबंधन के चरित्र पर बोलने की जरूरत नहीं है। विधानसभा में लोगों ने देखा है कि कैसे अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर इनकी पार्टी ने नंगा नृत्य किया है, वो अब दूसरों के समझाएंगे। जुमलेबाज तो यह निकले, 10 लाख युवाओं को सरकार ने नौकरी नहीं दी। कांग्रेस और आरजेडी ने दिए अपने अपने नेताओं के उपनाम। मोदी सरनेम मामले में कोर्ट के आदेश के बाद राहुल गांधी के सजा को जो बरकरार रखा है, इस फैसले के बाद कांग्रेसी अपने नेता राहुल गांधी को राजनीतिक संत बता रहे हैं। दरअसल उनका मानना है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने पूरे भारत में पैदल यात्रा की है और जिस तरह से उन्होंने अपना वेशभूषा बनाया है, उससे यह साबित होता है कि वह राजनीति के संत है। अब राहुल गांधी को कांग्रेसी द्वारा राजनीतिक संत बताए जाने पर राजद पार्टी में भी उपनाम का सिलसिला शुरू हो चुका है। दरअसल राजद में मौजूद नेता ने लालू यादव को राजनीतिक गुरु बता दिया है। बिहार में विपक्ष में मौजूद बीजेपी को जदयू ने बताया दुर्भाग्य। जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने बिहार में विपक्ष में बैठी बीजेपी को बिहार का दुर्भाग्य बताया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा का विधानसभा घेराव महज नौटंकी है। यह बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार में भाजपा के रूप में एक नकारात्मक विपक्ष है जिसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता ओछी और घटिया राजनीति करना है। सदन जनता के पैसों से जनता के लिए चलता है और सदन में जनता से जुड़े मुद्दों का हल होना चाहिए। भाजपा के लोग सकारात्मक विपक्ष के रूप में अपने सवाल सदन में उठा सकते थे, लेकिन विधानसभा मार्च के माध्यम से यह लोग राजनीतिक नौटंकी को बढ़ावा दे रहे हैं, सड़कों पर लूटपोट कर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने समस्तीपुर की स्थिति को देख इन मंत्रियों पर उठाए सवाल। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बुनियादी सुविधाओं के अभाव को लेकर जिले से निर्वाचित हुए दोनों राज्य सरकार के मंत्रियों व एक केंद्रीय मंत्री पर को जिम्मेदार बताया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी और भूमि सुधार एवं कृषि मंत्री आलोक कुमार मेहता पर तंज कसते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि समस्तीपुर की स्थिति देख लीजिए, जिले से 3 मंत्री हैं। यहां ऐसी दशा है कि कोई गांव ऐसा नहीं है जहां की जनता त्रस्त न हो। पानी के लिए, रोड के लिए, रोजगार के लिए, अस्पताल के लिए जनता परेशान है। बीजेपी के रविशंकर प्रसाद ने ममता के राजनीति पर उठाए सवाल। पश्चिम बंगाल में हुए पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा की घटना देखने को मिली, इसे लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ममता की राजनीति वाम दलों की राजनीति से भी बदतर हो गई है। आपकी राजनीति अत्याचारों से भरी क्यों हो गई है, हमें जवाब चाहिए। उनका कहना है कि राज्य में हर चुनाव के दौरान कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है, आखिर क्यों? आप अपने राज्य को संभालने में असमर्थ नजर आ रही हैं। मुझे उम्मीद है कि ममता जी सभी 4 सांसदों को पश्चिम बंगाल में हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने की अनुमति देंगे। ममता जी, आपकी लोकतांत्रिक साख अभी और परीक्षा में है। हम संसद के वरिष्ठ सदस्य हैं और हमें इन क्षेत्रों का दौरा करने और सच्चाई देखने का अधिकार है। स्पीकर ने भाजपाइयों को बताया लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग। जिस तरीके से इस बार के बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में बीजेपी हंगामा कर रही है, उसे लेकर सत्ता में मौजूद नेताओं समेत स्पीकर द्वारा भी आपत्ति जताई गई है। भाजपाइयों द्वारा किए जा रहे इस हंगामे को देख स्पीकर ने भाजपा के 2 विधायकों जिवेश मिश्रा और कुमार शैलेंद्र को मार्शल आउट करने तक के आदेश दे दिए। यह आदेश देते ही स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने भाजपा विधायकों के खिलाफ सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि भाजपा के सदस्य विपक्ष के रूप में जिस तरह का आचरण कर रहे हैं वह उचित नहीं है। भाजपा को जनता से कोई मतलब नहीं है, इसी कारण इस प्रकार का अमर्यादित आचरण में किया जा रहा। वहीं उन्होंने भाजपा की तरफ इशारे करते हुए कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग हैं, इनको सदन में रहने और काम करते का कोई हक नहीं है। दिल्ली के पूर्व सीएम के आवास पर शिफ्ट हो सकते हैं राहुल गांधी। गुजरात में अदालत की तरफ से राहुल गांधी के विरुद्ध फैसला आने के बाद उनकी सांसदी चली जाने के कारण उन्हें अपना बंगला छोड़ना पड़ा था, लेकिन अब यह खबर सामने आई है कि जल्द ही अब राहुल गांधी को अपने रहने का ठिकाना मिल सकता है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक राहुल गांधी दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के आवास पर रह सकते हैं। हालांकि शीला दीक्षित के आवास पर राहुल गांधी के शिफ्ट होने की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। मालूम हो कि अभी तक राहुल गांधी अभी तक अपनी मां सोनिया गांधी के साथ रह रहे हैं। पीएम मोदी की टिप्पणी पर उमर अब्दुल्ला ने कही ये बात। लोकसभा चुनाव के साथ ही जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव करवाने की मांग नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला द्वारा की गई है। इसी मांग को करते हुए उन्होंने कहा है कि लोगों को राजभवन के माध्यम से शासित होने के बजाय निर्वाचित सरकार चुनने का अवसर चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री को लेकर उन्होंने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री मोदी से कोई शिकायत नहीं है, जो एक बड़े आदमी है
और मुझसे उम्र में बड़े भी हैं। आगे उन्होंने कहा कि मुझे मेरे खिलाफ उनकी टिप्पणियों को लेकर कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उन्हें विधानसभा चुनाव की घोषणा करनी चाहिए और हम देखेंगे कि जनता किसे वोट देती है। बता दें कि पीएम मोदी ने उमर अब्दुल्ला और उनकी पार्टी को लेकर कहा था कि यदि आप अब्दुल्ला के उत्तराधिकारियों की उन्नति चाहते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में वोट दीजिए, लेकिन यदि आप अपने बेटे बेटी और पोते पोतियों की प्रगति चाहते हैं तो बीजेपी को वोट दें। फिलहाल आज के राजनीति जुड़ी खबरों में इतना ही। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मृत्युंजय कुमार, अनवर करीम खान, जितेंद्र ठाकुर, मोहम्मद साकिर हुसैन। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बीजेपी द्वारा निकाले गए विधानसभा मार्च में पुलिस का इस तरह से लाठी चार्ज करना क्या सही था? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।